Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Friends, कैसे आप? Well, I am also very well. Friends, today I am going to teach you about the nothing but. ये क्या है? Nothing but क्या? What is the nothing but? Nothing but का इस्तेमाल हम किस तरह के sentences में करते हैं और किन हालातों में करते हैं? तो आज हम वही सीखेंगे. ठीक है friends? तो let's start the class of the day. फ्रेंड्स, नथिंग बट का मतलब होता है कुछ नहीं लेकिन. जैसे हम इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ बालू ही बालू देखता हूँ, मतलब मुझे वहाँ बालू के सिवा और कुछ नहीं दिखता है, चारों तरफ से बालू ही बालू है. आई सी नथिंग बट सैंड देयर. ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं बोलता हूँ वहाँ पेड़ ही पेड़ थे, मीन्स पेड़ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए. तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि देयर वर नथिंग बट ट्रीज देयर. ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह के कुछ और भी सेंटेंसेस पर हम गौर करेंगे कि नथिंग बट का इस्तेमाल हम कब करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और क्या दर्शाने के लिए हम करते हैं. तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि नथिंग बट का इस्तेमाल हम कुछ नहीं लेकिन, मतलब किसी एक चीज़ का ही वहाँ पर वर्णन होता है कि वही चीज़ था वहाँ पर, उसके सिवा और कुछ नहीं था, तो हम नथिंग बट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस पे नज़र डालते हैं अच्छी तरह से और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट. देयर वर नथिंग बट ट्रीज देयर. वहाँ पेड़ ही पेड़ थे. I saw there nothing but cows. मैंने वहाँ गाय ही गाय देखा. There were nothing but children there. वहाँ बच्चे ही बच्चे थे. There are nothing but poverty in India. भारत में गरीबी ही गरीबी है. There are nothing but farms in his village. उसके गांव में खेत ही खेत हैं. There were nothing but doctors there. वहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर थे. There are nothing बट मंकीज इन दिस सिटी. इस शहर में बंदर ही बंदर हैं. देयर आर नथिंग बट रैट्स इन हिज किचन. उसके किचन में चूहे ही चूहे हैं. देयर आर नथिंग बट डॉग्स इन दैट स्ट्रीट. उस गली में कुत्ते ही कुत्ते हैं. ही हैज नथिंग बट मनी. उसके पास पैसे ही पैसे हैं. दे हैव नथिंग बट गन्स. उनके पास बंदूक ही बंदूक है. शी हैज नथिंग बट सारीज. उसके पास सारी ही सारी है. आफ्टर टू ईयर्स There will be nothing but tree. दो साल के बाद वहाँ पेड़ ही पेड़ होंगे. Before 10 years there were nothing but water here. 10 साल पहले यहाँ पानी ही पानी था. After some years you will have nothing but money. कुछ सालों के बाद तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे. ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नथिंग बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेज में करते हैं और क्या दर्शाने के लिए हम करते हैं, क्या बताने के लिए करते हैं हम. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.